हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। दोस्तों, मैं तन्नू कार्की आप सभी लोगों का नए दिन और नई शुरुआत के साथ एक बार फिर से अपने ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ सब स्वस्थ होंगे, कुशल होंगे और मस्त होंगे, और मैं भी स्वस्थ हूँ। और दोस्तों, अभी आज टाइम बहुत हो चुका है, आज 12:15 हो रहा है और मेरे ब्लॉगिंग की शुरुआत अब हो रही है। और आप सभी को गुड आफ्टरनून। और आज सुबह से थोड़ा बिजी हो गए थे क्योंकि कल काफ़ी सारे काम भी छूटे थे हमारे घर के, हम दिन में नुमाइश चले गए थे तो उसके बाद कपड़े वपड़े धोना सब काम रह गया था, तो आज अभी तक का वो सारे काम निपटाए हमने। और अब जाकर मैं अपने ब्लॉगिंग की शुरुआत कर रही हूँ। और अभी जस्ट अब सुबह का नाश्ता भी आज नहीं हुआ है, अब नाश्ता और लंच दोनों एक साथ ही करेंगे क्योंकि सुबह से काम में ज़्यादा ही बिजी थे। और हाँ, सुबह आज खुशी के स्कूल जाते टाइम बहुत तेज़ बारिश हो गई और उस टाइम मैं सूट भी नहीं कर पाई क्योंकि उस टाइम मेरे फ़ोन की बैटरी एकदम लो हो चुकी थी, तो मैंने फ़ोन चार्जिंग पर लगा रखा था। और फिर खुशी को थोड़ा तैयार किया था, मतलब ड्रेस पहनाई थी, स्कूल की यूनिफॉर्म पहना रखी थी लेकिन बाकी तैयार नहीं किया था। तो फिर उसके बाद जैसे ही स्कूल जाने का टाइम होने वाला था तो बहुत तेज़ बारिश हो गई और बाहर मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया, तो मैंने सोचा क्या पता फिर दिन में बहुत ज़्यादा बारिश हो जाए और नदी आ जाए तो फिर कहीं उस चक्कर में रह ना जाए। होने को तो और बच्चे भी गए होंगे स्कूल, लेकिन फिर भी रहता है ना, अपने बच्चे का टेंशन रहता ही है। तो फिर आज खुशी स्कूल नहीं भेजी और थोड़ा उसको घर पर ही पढ़ाया, थोड़ा होमवर्क वगैरह कराया। होमवर्क क्या मतलब, घर पे ही उसको थोड़ा उसी के हिसाब से थोड़ा लिखाया। और अभी वो अपनी बुआ के साथ खेल रही है, गोलू भी अपनी छोटी बुआ के साथ खेल रहा है, अंशु के साथ भी खेल रहा है। और मैं अब दिन का लंच थोड़ा, तो सुबह का नाश्ता तो वैसे बचा ही है, देखती हूँ कितना है और उस हिसाब से मैं बाकी का अपना लंच भी बनाऊँगी। दाल तो मैंने सुबह ही बना ली थी और अभी मैं थोड़े से चावल बनाऊँगी। और अब भूख भी लग रही है क्योंकि टाइम बहुत हो चुका है, तो मैं करती हूँ नाश्ता टू लंच और आप बने रहे मेरे ब्लॉग के साथ। और हाँ, मैं आज आप लोग के साथ वो चीज़ शेयर कर रही हूँ जो मैं कल खुशी के लिए कल नुमाइश से लेके आई हूँ और वो सबको घर में पसंद भी आई कि हाँ इतना अच्छा सामान और इतने अच्छे रेट पे हमें मिल गया। तो आप बने रहे, मिलती हूँ थोड़ी देर में। बाय। हेलो, अब खाना खा लिया है, लंच हो गया है तो, और अब थोड़ी देर सोते हैं, बच्चों को भी सुलाते हैं, उसके बाद मिलती हूँ आपसे बाद में। तो हम सोए थे और पापा ने आवाज़ लगाई कि गैस की गाड़ी आ गई है, तो अब हम सिलेंडर भरने के लिए आ गए, सिलेंडर लेके बाहर आ गए मैं और लक्कू। और साथ ही साथ मैं आपको दिखाती हूँ हमारे वहाँ चमेली का पौधा कितना बड़ा हो गया है। ये देखिए दोस्तों, ये है हमारा चमेली, हमारी सॉरी। और आज हमारे साइड को धूप है, हल्की धूप है, और ऊपर साइड को बिल्कुल मौसम ऐसा है कि पहाड़ भी नहीं दिख रहे हैं, कोहरा सा छाया हुआ है कि बारिश हो रही है पता नहीं, क्योंकि ऐसा भी होता है कभी ऊपर साइड बारिश होती है और नीचे साइड कुछ नहीं होता है। और ये नहर हमेशा भरी भरी रहती है, ये आजकल बरसात में भरी भरी रह रही है। हेलो प्रिंसी। और गैस की गाड़ी आ गई, दो ही हो गया, खत्म हो गया। और ये सिलेंडर निकल गया हमारे लिए। भैया ये अमरूद, ये आपके लिए, आपको गिफ्ट मिला है। तो फिर आर के में डेढ़ ना, फिर पहले यार फोन आ रहा उनका सुबह से। और भैया हमारी हेल्प कर रहे हैं। हेलो दोस्तों, तो सिलेंडर भी भर लिया है और अब 4:15 हो रहा है, थोड़ी सी पापा के लिए भी चाय बनाते हैं और थोड़ी थोड़ी हम भी पीते हैं, और हम वही पियेंगे, तुलसी की चाय पियेंगे और वो बिना दूध वाली। और उसके बाद अब आज से खुशी का ट्यूशन भी लगा दिया है, तो खुशी को फिर 5 बजे ट्यूशन छोड़ना है क्योंकि 4 बजे भी जल्दी हो जाएगा। आज तो वो स्कूल नहीं गई थी लेकिन कल से फिर स्कूल जाएगी, घर आके थोड़ा आराम भी करना हुआ, तो 5 बजे से खुशी अब डेली ट्यूशन जाएगी। क्योंकि घर में क्या होता है ना, बच्चे कम पढ़ते हैं, ट्यूशन में भी इतना प्रेशर तो नहीं डालते हैं वो लोग, लेकिन फिर भी घर में पढ़ाई नहीं हो पाती उतनी अच्छे से जितना वो थोड़ा ट्यूशन में कवर अप कर लेते हैं, थोड़ा स्कूल का रिवीजन हो जाता है। घर में क्या होता है, बच्चों के साथ खेलना कूदना ही हो जाता है साथ साथ में, और वो पढ़ भी कम पाते हैं, और शाम को जब हम भी पढ़ाने के लिए बैठते हैं तो टाइम भी
कम ही मिलता है क्योंकि घर पर काम भी हुआ, तो इसलिए आज से मैंने खुशी का ट्यूशन डाल दिया है और अभी थोड़ी देर में मैं खुशी को ट्यूशन छोड़ने जाऊँगी। अभी इतनी गर्मी हो रही, इतनी उमस हो रही ना बहुत ज़्यादा, और चाय भी अभी पापा भी आराम कर रहे हैं तो चाय अभी बाद में ही बनाऊँगी। तब तक जो कपड़े उड़े थे मैं वो कपड़े उठा के आई क्योंकि हवा भी चल रही है थोड़ी, बाहर थोड़ा ठीक भी हो रहा है, हल्की हल्की धूप है तो गर्मी भी हो रही है। और खुशी अभी सोई है, अभी क्योंकि एक घंटा है तो थोड़ी देर रेस्ट अपने आप करती है। और मैं तब तक आपको दिखाती हूँ कि कल हम नुमाई से क्या क्या लेके आए थे और किस रेट तक के लेके आए थे, वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो खुशी चली ट्यूशन, कम आ जाओ बेटा। तो मैं खुशी को अब ट्यूशन छोड़ने जा रही हूँ, खुशी जा रही है ट्यूशन। ये देखिए केले के पेड़ सारे एक साइड में, केले के पेड़ हैं खेतों की साइड में। बहाव देखो पानी का बहाव, ये नहर इस बार तो कंटिन्यू चल ही रही है। तो खुशी को मैं ट्यूशन छोड़ आई और मैं अब घर को जा रही हूँ। गोलू अभी सोया ही था, कुआ से बोला है कि वो उठ जाएगा तो देख देना, मौसम भी फिर ख़राब होने को है, पता नहीं क्या होता है। और ये छोटी सी नहर ये देखिए, पता नहीं किसी पड़ती है कि नहीं पड़ती है आज, क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद वो ट्यूशन आ रही है। पहले ट्यूशन आती थी फिर उसकी थोड़ी तबीयत ख़राब भी हो जाती थी टाइम टाइम पे, तो उसका ट्यूशन छोड़ दिया था, तो आज बहुत टाइम के बाद आ रही है। पता नहीं क्या होता है, वो शाम को ही पता चलेगा जब खुशी आएगी ट्यूशन से। तो दोस्तों मैं जा रही हूँ छत में कपड़े उठाने क्योंकि बारिश का मौसम हो रहा है और कभी भी बारिश आ सकती है, और इतनी ठंडी ठंडी हवा आ रही है, इतना अच्छा लग रहा है, अंदर बहुत उमस हो रही है, तो मैं उठाती हूँ कपड़े। इसमें से ये घास निकालनी है और जो गाबे हुए हैं यानी कि जो पतले पतले पत्ते हैं अरबी की, उसकी हम बनाएंगे सब्ज़ी। तो मैं ये जितनी घास निकल पाती हूँ उतनी निकालती हूँ और उसके बाद मैं पत्तियाँ। तो दोस्तों घास निकाल चुके हैं ये, तो अब आपको साफ साफ दिख रहे होंगे इन आलू, और ये हैं गाबे। आज बनाएंगे हम आलू और गाबे की सब्ज़ी। तो चलो अब चलते हैं घर की तरफ। दोस्तों डिनर हो चुका है और अब बच्चों को सुलाते हैं। ये देखिए सुनाई दे रही होगी हंसी की आवाज़, जब तक हम सब सोएंगे नहीं तब तक ये सोते नहीं, तो पहले हम बच्चों को सुलाते हैं और उसके बाद फिर हमें थोड़ा अपना वीडियो एडिट करना होता है तो काफ़ी देर हो जाती है उसमें भी। और पहले बच्चों को सुलाते हैं उसके बाद अपना फिर आगे का काम हम करेंगे फिर, क्योंकि फिर टाइम से अपना वीडियो अपलोड भी करना होता है। तो दोस्तों आज का मैं ये ब्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ और आशा करती हूँ कि आपको मेरा ब्लॉग आज का अच्छा लगा होगा और आपने भी मेरे साथ एंजॉय किया होगा। और आप कमेंट करके बताइए आपको खुशी की चीज़ कैसी लगी, जो भी मैं खुशी के लिए सामान लेके आई हूँ वो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। और मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए।
और इसी के साथ मैं अपने आज के ब्लॉग को यहीं पर समाप्त करती हूँ। बाय, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट।